सब्सक्राइब कीजिए टेकिरा फॉर यू को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलग अलग तरह की टेक न्यूज, रूमर्स और लीक्स वगैरह। मैं उसमें डे रहा, आप सभी का स्वागत है टेकिरा फॉर यू की हिंदी टेक न्यूज में। दोस्तों, यहाँ पे जो पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो है कार्बन के K9 स्मार्ट सेल्फी वाले स्मार्टफोन से रिलेटेड, जिसकी की हाईलाइट फीचर वही सेल्फी है, जो कि है सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का। रही बात इसके कुछ टेक्निकल स्पेक्स की, तो इसमें आपको 5 इंच का FWQVGA डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 1.1 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज और 1 GB की रैम। तो ले दे के घुमा फिरा के दोस्तों, ये एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हैं। और इसकी अगर हम कीमत की बात करें, और ये के सीरीज का जो स्मार्टफोन है, इसकी प्राइसिंग हो सकती है लगभग 4,890 रुपए के आसपास। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वह शाओमी के स्मार्टफोन की, जो कि हो सकता है 2 नवंबर को लॉन्च। और कहा जाए, ये जो रिपोर्ट्स में निकल के जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये बेस्ट सेल्फी स्मार्टफोन हो सकता है, एक तरीके से शाओमी की तरफ से ऐसा कुछ प्रमोट किया जा रहा है। अब देखते हैं वो कैसा होगा। और ये बेसिकली एक सेल्फी स्मार्टफोन होने वाला है। अभी तक जो रिपोर्ट्स और रूमर्स निकल के आ रहे थे उसके मुताबिक ये हो सकता था शाओमी रेडमी लाइनअप का रेडमी 5, नोट 5 ऐसे कुछ लॉन्च कर सकता है, मगर ये कुछ न्यू सीरीज ही स्टार्ट करने वाला है शाओमी, जिससे कि अभी कुछ रिपोर्ट्स में निकल के आ रहा है। तो तैयार रहना और क्या नवंबर 2 के लिए कि शाओमी किस तरीके का स्मार्टफोन लॉन्च करता है, उसकी लाइव स्ट्रीम वगैरह तो शाओमी वाले कर ही देते हैं यूट्यूब वगैरह पे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है आईटेल करके एक स्मार्टफोन के बारे में, उसकी कंपनी के एक स्मार्टफोन के बारे में S21, जिसमें कि आपको ड्यूअल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और कीमत रखी गई लगभग 5,990 रुपए के आसपास। अगर हम इसके टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको एक जो ड्यूअल कैमरा का जो आपको सेटअप देखने को मिलता है सेल्फी के लिए, वो है 2 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल वाला 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और वही नॉर्मल से आपको स्पेक्स देखने को मिल जाएंगे, 16 GB इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबिलिटी जिसकी 32 GB तक रहेगी, 5 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा और एंड्रॉइड आपको 7.2 यानी कि नोकट इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है सोनी के एक रोबोट से रिलेटेड, जो कि पेट रोबोट आप इसे कह सकते हैं, जो है एबो ERS 100, इस तरीके से ये डॉग के शेप में आपको ये रोबोट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें वो है एक लीक्स निकल के आ रही है, जियोनी की M7 प्लस करके एक स्मार्टफोन हो सकता है लॉन्च जियोनी की तरफ से, जिसमें कि आपको प्रीमियम लुक और डिजाइन वगैरह देखने को मिल जाएगा अगर ऐसा कुछ लॉन्च होता है तो। और इसकी जो की फैक्टर, इसका अगर हम की हाईलाइट बोले तो वो हो सकता है इसमें H2 डिस्प्ले, जिसका कि लीक्स और रिपोर्ट्स में निकल के आ रहा है, इस तक की कुछ रूमर्स वगैरह निकल के आ रही है। आपको हो सकता है इसका जो बैक पोर्शन है उसमें आपको लेदर बैक ऐसा कुछ देखने को, इस तरह की कुछ लेदर वाली फिनिश देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वह गूगल पिक्सल 2 से रिलेटेड, जो कि अब इंडिया में अवेलेबल हो चुका है लगभग 61,000 की प्राइसिंग से रिलेटेड। इसे आप जाके ई कॉमर्स साइट या ऑफलाइन वगैरह पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको ये चाहिए तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मैं उसमें डेरा आपसे जल्दी मिलूंगा इसी तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगले वीडियो में। टेक केयर फॉर यू सर। Hold on, girl, now wait, just